प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत मंगलवार को जोधपुर आए। उन्होंने यहां 14 दिसंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित भारत बचाओ आंदोलन के तहत रामलीला मैदान में होने वाली रैली की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जिला शहर एवं देहात कांग्रेस की संयुक्त बैठक में भाग लिया। बैठक मंगलवार सुबह जोधपुर के प्रभारी कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जोधपुर शहर विधायक मनीषा पवार, लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई, लोहावट विधायक कृष्णा राम, भिलाड़ा विधायक हीरालाल मेघवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सईद अंसारी सहित कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता लेकर आने की बात कही। वहीं आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र भाजपा सरकार बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वह अपने वादों पर खरा नहीं उतर रही है। आज युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, देश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन केंद्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र सरकार की इन्हीं नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। चौदह दिसंबर को दिल्ली में भारत बचाओ रैली का आह्वान किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये राष्ट्रव्यापी रैली का आह्वान किया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है कि भारत बचाओ रैली का एक बहुत बड़ा आयोजन 14 तारीख को होगा। उसी सिलसिले में जोधपुर को जो टारगेट दिया गया है, जोधपुर संसदीय क्षेत्र को, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को, उसी सिलसिले में मैं और प्रभारी मंत्री महोदय आज यहाँ आए हैं। तमाम जो यहाँ लोकल लीडर्स हैं उनके साथ बैठ के विचार विमर्श करके जो टारगेट डिस्ट्रिक्ट वाइज, अभी 3 दिन पहले जो मुख्यमंत्री निवास पे मीटिंग हुई थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पीसीसी चीफ साहब ने जो टारगेट दिए हैं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को, उसको कैसे फुलफिल किया जाए, उस टारगेट को कैसे पूरा किया जाए, इसी उद्देश्य को लेके आज हमने ये जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की और देहात जिला कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक आज यहाँ पे ये आयोजित की गई है। हम चाहते हैं कि जोधपुर का प्रतिनिधित्व, हमेशा जब भी राष्ट्रीय रैली रही है दिल्ली में, हमेशा जोधपुर से हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। जोधपुर की जो स्ट्रेंथ वहाँ दिखती है हमेशा अच्छी रही है, और उसी एम के साथ हम लोग पुनः यहाँ आए हैं कि इस रैली में भी जो 14 तारीख की रैली होने जा रही है, किस तरीके से हमारे तमाम जो विधायक हैं, हारे जीते प्रत्याशी हैं, उन सबको साथ लेके हम ये आज बैठक करेंगे। ब्लॉक अध्यक्षों को, पीसीसी मेंबर्स को, तमाम लोगों को हम लोग यहाँ पे बातचीत करने आए हैं। और मेरा मानना है कि जैसा पहले भी होता आया है, जोधपुर का प्रतिनिधित्व अच्छा रहेगा इस रैली में। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे सोनिया जी और राहुल जी, ये जो रैली है पूरे देश की होने जा रही है, भारत बचाओ रैली, आज जिला कांग्रेस कमेटी देहात और जिला कांग्रेस कमेटी शहर दोनों के अध्यक्षों के तत्वाधान में ये कार्यकर्ताओं की, विधायकों के, वैभव जी, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जब जब भी दिल्ली में रैली हुई है कांग्रेस की, उसमें अच्छी खासी संख्या जोधपुर की रही है, जोधपुर का प्रतिनिधित्व। मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले जयपुर में मीटिंग ली, सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई कि वो अपने अपने जहाँ भी प्रभार वाले जिले हैं उनमें जाएँ, और एक व्यवस्था के रूप में कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने का काम हम सबको सौंपा गया है। पूरे देश में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, भय का वातावरण है, आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा है, जीडीपी हमारी डाउन चली गई, ये सारी बातें जो झूठ बोल के लोग सत्ता में बैठे हैं, उसका पर्दाफाश करना है। और एक आंदोलन के रूप में 14 तारीख के बाद में पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता इन लोगों को बेनकाब करेगा, और जो वादे इन्होंने झूठे किए थे और सत्ता हथियाने का काम भी इन्होंने किया। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, कांग्रेस में भारी जोश है,
कार्यकर्ता लड़ाई के लिए तैयार हैं, और मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले से जोधपुर में जब जब भी रैलियाँ हैं उससे ज़्यादा संख्या में लोग दिल्ली पहुँचे। हमने दोनों रिपोर्टें, मेरे पास दो जिले हैं, जोधपुर और पाली, दोनों की रिपोर्ट बना के हमने जमा करा दी। अब वो निर्णय तो आला कमान को, मुख्यमंत्री जी को उस लेवल पे।